अजीत कुमार शर्मा नेशनल न्यूज स्टोरी से हूँ। मेरी डॉक्यूमेंट्री चल रही है सीएमओ ए के सिंह के साथ। अच्छा, बस आपसे जानना चाहूँ, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम हरिराम वर्मा। हरिराम वर्मा जी, डॉक्टर साहब कौन सी डिग्री के अंतर्गत आप यहाँ पर डिग्री? आरएमपी। आरएमपी, लेकिन आरएमपी क्या प्रैक्टिस करने के लिए पर्याप्त डिग्री है? हाँ, आयुर्वेद। मेरी डॉक्यूमेंट्री चल रही है चिकित्सा संबंधित क्षेत्र को लेकर। काफी डॉक्टर्स के पास गया हूँ और हर जगह जा रहा हूँ, बस केवल केवल ये देखने के लिए कि कहाँ पर अनियमितताएं हैं, कहाँ पर और सही हो सकता है, और चिकित्सा क्षेत्र कैसा चल रहा है, आप लोगों के माध्यम से कैसा काम करा जा रहा है। क्या आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर आपकी डिग्री, क्या आप मुझे दिखा पाएंगे? ये डिग्री है डॉक्टर साहब। बट डॉक्टर साहब आपसे रजिस्ट्रेशन जी, डॉक्टर साहब आपसे अंतिम ये हमने ले लिया है, ये डॉक्टर साहब का रजिस्ट्रेशन है जी। डॉक्टर साहब प्रश्न बस आपसे एक बनता है मेरा, मेरी पत्रकारिता के अनुभव से, कि अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तो आप एलोपैथी की दवाइयाँ कैसे यूज करते हैं? क्योंकि अभी आप सारे पेशेंट्स को जैसे यहाँ पर भी रखी है, इसमें भी मैं दिखाना चाहूँगा कि सारी एलोपैथी दवाइयाँ हैं, आप इनको क्या यूज करते हैं? डॉक्टर साहब का कहना है देहात में सब कुछ चलता है, लेकिन अगर नियमों की बात करी जाए तो नियमों में कहीं ना कहीं खासी दिक्कत नजर आ रही है। डॉक्टर साहब ने अपनी डिग्रियाँ दिखाई, अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे डॉक्टर अभी अपनी डिग्रियाँ नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इनको नियमितता माने या अनियमितता माने ये आप पर छोड़ता हूँ। बाकी अभी आगे लिए चलते हैं, क्योंकि ये ग्राम असोड़ा में और भी बहुत परेशान है। कौन सी डिग्री के अंतर्गत? चलिए आपने अच्छी बात है कि आपने कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, तो आप 8 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और एलोपैथी की दवाइयाँ भी आपका कहीं ना कहीं क्या पेशेंट पसंद करते हो, आपको आपका इलाज ढंग से लगता है, तो आप छोटे मोटे ऑपरेशन भी कर लेते हैं या क्या, किस किस चीज़ का इलाज आप यहाँ पर करते हैं? ये तो आप यहाँ पर ड्रिंक वगैरह भी यहाँ पर यूज हो रहा है? अच्छा, तो ये आपने कहाँ सीखा है? मैं कई हॉस्पिटलों में गया। कैसे? त्यागी हॉस्पिटल। हाँ भाई, त्यागी हॉस्पिटल मेरठ का। हाँ, बोलो मेरा डॉक्टर प्रदीप। डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप का ही जिक्र आया ना अभी पहले भी, मंसूर सिंह। अच्छा, तो डॉक्टर प्रदीप ये सिखाते हैं सारा घर में चलाते हैं, डिग्री वगैरह भी देते हैं, तो छोटी मोटी डिग्री देते हैं। तो वहाँ पे कितने साल काम करा था आपने? हाँ, करा हुआ 1.5 साल। डॉक्टर प्रदीप को अवगत है कि आप यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं? तो ऐसा है गांव में टाइम, हम ना खेती है तो किसान टाइम मिला यहाँ बैठेगा, टाइम पास के रूप में आप यहाँ पर टाइम पास क्या, मैं सेवा भी है, मैं मदरसे मस्जिद या कोई गरीब आ गया उससे पैसे मिल लेता हूँ, मेरी दवाई देता हूँ। आपने बताया अपना सब कुछ कि डॉक्टरी जो पेशा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर कहीं ना कहीं अपना कार्य डॉक्टरी सीखने के बाद मधु नर्सिंग होम से और डॉक्टर प्रदीप ने काम सीखा है, दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स के माध्यम से भी काम सीखे हुए हैं, और यहाँ पर त्यागी हॉस्पिटल बता रहे हैं मेरठ से, और यहाँ पर आप प्रैक्टिशनर हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, और ड्रिप से लेकर हर चीज़ ये बड़ा स्पष्टता से यहाँ पर कार्य कर लेते हैं। फिर दोबारा कहीं एक दूसरे मोड़ पर देखते हैं कि ग्राम असोड़ा में और कितने डॉक्टर हैं। डॉक्टर सरफराज के क्लिनिक पर जो अभी हम आपको लेके गए थे, ये मस्जिद के बराबर में ही ये क्लिनिक है, इसी के बराबर में एक और क्लिनिक है, क्या नाम बताया आपने? इनका डॉक्टर शमशुद्दीन का भी यहाँ पर क्लिनिक है, आपको अंदर से आकर दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सारा
सारा कार्य यहाँ पर भी उसी तरीके से एलोपैथिक दवाइयों के अंतर्गत किया जा रहा है। और यहाँ पर कोई ये पत्र भी यहाँ पर नियमित टीकाकरण का है। और देखिए काफ़ी सारी सीरीज वगैरह है, अभी यहाँ पर कोई डॉक्टर साहब है नहीं, बेंच है, कर्टेन है, इसी तरीके से यहाँ पर ये सारा कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर साहब अभी लापता है, क्लिनिक खाली है। आइए ले चलते हैं आपको कहीं एक किसी दूसरे क्लिनिक पर, क्योंकि असोड़ा में डॉक्टरों की पूरी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखते हैं कितना नियम है और कितने कायदे हैं यहाँ पर असोड़ा में। और प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा मैं लगाने जा रहा हूँ संबंधित विभाग पर, सीएमओ जो ऑफिस है यहाँ का, सीएमओ के अंतर्गत जो भी जितने भी लोग यहाँ पर कार्य करने वाले हैं उनके जाँच अधिकारी यहाँ पर कहाँ गुल हैं, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। इन जनरल आपसे ये जानना है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, किस डिग्री के अंतर्गत आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक बोलिएगा। आपका कहना है कि किसी भी डॉक्टर के पास छोटे गांवों में, मतलब गांवों में छोटी जगहों पर डिग्री नहीं होती, तो फिर प्रैक्टिस आप किस बेस पे कर लेते हैं, आप दवाइयाँ दे लेते हैं, आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहाँ सीखा था कुछ प्रैक्टिस में, मतलब आपको काम तो आना चाहिए ना। हॉस्पिटल में सीख लेते हैं। कौन से हॉस्पिटल में सीखा काम आपने? मधु नर्सिंग होम। अच्छा, जो हम पहले डॉक्टर के पास गए थे वो भी मधु नर्सिंग होम से सीखे हुए थे, वो आते हीरा लाल, मधु नर्सिंग होम हीरा। तो मधु नर्सिंग होम में आपने काम सीखा, जो मधु नर्सिंग होम के जो ओनर हैं वो कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर प्रदीप। डॉक्टर प्रदीप को मालूम है आप प्रैक्टिस करते हैं? तो डॉक्टर प्रदीप ने कभी आपत्ति या कुछ इस तरीके का नहीं? सर यहाँ पे जो स्कूल में बैठे थे डॉक्टर शमी थे, उनके पास डीएमएलटी क्या होता है? नहीं वो कुछ नहीं है, आप इंजेक्शन वगैरह भी ये सर यहाँ पर यूज कर रहे हैं? ना ये तो जैसे नया लिया, नया यूज करना है, पुराना तो नहीं कर रहे। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आप नॉर्मली, ये मैं ओरिजिनल पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप जानते हैं कौन कौन सी बीमारियों का स्पेशलाइजेशन है? लो मोशन, टाइफाइड, कोसोरी, बुखार वगैरह। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? चलिए आप डॉक्टरी कर भी रहे हैं तो कम से कम आपके पास एक ऐसा हुनर तो हो कि हाँ जी आप इस चीज़ के लिए कर रहे हैं तो उस चीज़ को अप्रूव भी माना जाए। बुखार किसी भी तरीके का बुखार आप कंट्रोल कर लेते हैं? कई तरह के बुखार, चिकनगुनिया, नहीं नॉर्मल पर देख भाग देते तो पेशेंटों का फायदा होता है आपकी दवाई? पेशेंटों का फायदा होता है। वैसे कितने पेशेंट हैं आपके? अब तो सर इस वक्त सेवा चल रहा है तो 10-11 भाई। अगर आपकी दवाई अच्छी है तो पेशेंट में आप लोकप्रिय होने चाहिए? नहीं नहीं, लोकप्रिय तब होंगे जब काम से थोड़ा सही होगा। अब मान लिया जैसे कि बुखार को बारे इन्फेक्शन निकलेगा तो जाहिर सी बात काम निकलेगा पेशेंट का। डॉक्टर हैं, अपना नाम भी बता रहे हैं, प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, हर तरीके की दवाइयाँ भी यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, बुखार की दवाई भी आप देते हैं, दूसरे कार्य भी आप करते हैं। और पेशेंट्स हैं, पेशेंट पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं तो पेशेंट आ रहे हैं, या फिर कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक अज्ञानता का प्रभाव भी, मैं इसको कहूँगा अपनी ओर से। मुझे ना एलोपैथिक से को मतलब है, थोड़ा बहुत यूनानी से तो। लेकिन आप डॉक्टर हैं या क्या कहूँ मैं आपको? जनरा। अच्छा, हकीम टाइप से हैं? मतलब हिकमत से ताल्लुक का है, मतलब जर्राई आप एक दूसरी भाषा में कहिए मीडियम सर्जरी। अच्छा, लेकिन क्या जैसे दूसरा जो ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट का इसका रजिस्ट्रेशन भी है? मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का कहाँ पर होता है? चलिए कोई बात नहीं, आपने इतना हमें जानकारी दी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं जर्राई का काम यहाँ पर होता है, और यहाँ पर जो ये हकीम साहब, आपका नाम क्या है? अशफाक जी यहाँ पर हैं हमारे सामने। यहाँ पर आपके माध्यम से ये कहा गया है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन ट्रीटमेंट यहाँ पर फोड़े फूस एलर्जिकल
दवाइयों के कुछ नुस्खे हैं इनके पास आयुर्वेदिक पत्नी के या फिर मुसलमानों का खतरा वगैरह जो होता है उसके अनुसार यहाँ पर इनका ये एक क्लिनिक है जहाँ पर ये सारा कार्य करा जा रहा है। बाकी आगे भी ले चलते हैं किसी दूसरे को। डॉक्टर पी के वर्मा के साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कौन सा एरिया है, कौन सी लोकेशन है, मतलब असोड़ा में कौन सा मोहल्ला? पीर मोहल्ला असोड़ा में। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब कौन सी डिग्री के अंतर्गत आप यहाँ पर? IMP। तो आपकी डिग्री यहाँ पर मैं देख सकता हूँ? नहीं फिलहाल यहाँ नहीं है भाई, तो दुकान मैंने चेंज करी है वहाँ से यहाँ। तो IMB तो इंडियन मेडिसिन बोर्ड। इंडियन मेडिसिन बोर्ड RMP IMB। तो इसमें डॉक्टर तो नहीं लगा सकते आप? डॉक्टर तो नहीं है? नहीं डॉक्टर ही होते हैं। अच्छा, तो ये आयुर्वेदिक में कार्य करते हैं कैसे? आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों मल्टीपल करते हैं। तो आप यहाँ रजिस्टर्ड हैं CM ऑफिस में? आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है? तो पहले मतलब जो पहला रजिस्ट्रेशन है वो ही है हमारे पास। तो कहाँ से है? लखनऊ से है। नहीं, जो आपका CM ऑफिस होता है, जिला जो होता है, पहले गाजियाबाद था, गाजियाबाद CM ऑफिस था, अब आपका हापुड़ में AK सिंह है CMO। तो आप यहाँ रजिस्टर्ड हैं, आपकी डिग्री रजिस्टर्ड है, आपकी अप्रूव है डिग्री? पुरानी डिग्री है आपके पास, आपका प्रश्न है। देखना यह होगा कि नेशनल न्यूज़ स्टोरी की इस पूरी कवरेज के माध्यम से जब ये फ्लैशिंग सारी जाएंगी CMO ऑफिस में तो इस पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन उमेश शर्मा के साथ मैं अजीत कुमार शर्मा, नेशनल न्यूज़ स्टोरी, असोड़ा, जनपद हापुड़।